आवाज आपका और आपके साथ है, मैं परदेशी। जी हाँ, भरगमा स्थित आज हम पंचायत बिसरिया में हैं। अगर आप कहें तो बिसरिया हाट में है। बिसरिया हाट में आज हमें जो देखने को मिला, पहले कभी नहीं मिला था। आज इतना समर्थन यहाँ पर देखने को मिला, मानो जैसे बाढ़ आ गया हो। एक मुखिया जी हैं जो नॉमिनेशन किए हैं। आपको जानकारी के लिए बता दें कि दीदार बख्श हाई स्कूल का दाता अगर कहा जाए तो कोई गलत नहीं होगा। दीदार बख्श हाई स्कूल को पूरे बिहार अगर बोला जाए तो तीन राज्यों में जाना जाता है। उस स्कूल का दाता का खानदान का एक सपुत्र आज इस मजमे में खड़ा है। उससे पूछते हैं कि वो किस वजह से जनता के बीच में खड़े हैं, आइए जानते हैं। जी सबसे पहले तो अपना आप परिचय दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद नसीमुद्दीन, हम मुखिया प्रत्याशी हैं, हमारी बहू जी बिसरिया पंचायत से। क्या छाप है आपका? मेरा कैमरा छाप है। कितने नंबर क्रमांक पे है? 9 नंबर क्रमांक पर कैमरा छाप है। कैमरा छाप है। आप ये बताइए कि जनता जनार्दन से आप क्या कहना चाहेंगे? मैं जनता से ये अपील करना चाहूँगा कि मैं उस परिवार से रनिंग कर रहा हूँ, बिलोंग कर रहा हूँ, जो परिवार इस इलाके को 1952 ईस्वी में 52 एकड़ जमीन गवर्नर के नाम से दान दे करके दीदार बख्श उच्च विद्यालय बीरनगर बिसरिया बनाया, जिस दीदार बख्श उच्च विद्यालय से आज हजारों हजारों लोग एसपी हैं, डीएम हैं, कलेक्टर हैं, मैं उस जिला से अपने आवाम से, अपने जनताओं से एक वोट की भीख मांगना चाहता हूं कि मेरे परिवार की जो कुर्बानी रही है उस कुर्बानी का सिला हमको मजदूरी के शक्ल में मिले। जी शुक्रिया आपका। आपने देखा कि किस तरीके से अपने बलिदान का एक वोट स्वरूप मांग रहे हैं। अब देखते हैं कि जनता इनके साथ क्या करते हैं। आइए कुछ आदमी से और पूछते हैं हम। आप बताइए, आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद अख्तियार आलम उर्फ चुन्ना हुआ जी। प्रत्याशी मेरी पत्नी शमा मनाज ही है जी, जिसका चुनाव चिन्ह कैमरा छाप जो 9 नंबर क्रमांक पे है। आप पब्लिक से क्या कहना चाहेंगे, एकदम छोटा शब्द में बोलिए। मैं पब्लिक से यही कहना चाहूँगा कि पहले मुझे मौका दें, फिर मैं ये पंचायत को सवार दूंगा। मैं पंचायत का जो भी काम बिचौलियों के थ्रू होता है, मैं मुखिया भरसेज भरगमा के अफसरों के थ्रू कराऊंगा। मैं बिसरिया हाट पे जो अफसर पंचायत में नहीं रहते हैं, मैं उस अफसर को बिसरिया पंचायत में ला के रखूँगा और जनताओं से अपील करूँगा कि वहाँ जाएँ और डायरेक्ट अपना काम उस अफसर से कराएँ। बोले तो बिहार राज्य जो भवन होता है उसका निर्माण भी आप कराएंगे और वो सारी काम जो ब्लॉक में होती है वो यहाँ कराने का काम करेंगे। जी शुक्रिया आपका। आपसे हम कुछ जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो अपना आप परिचय दीजिए। मेरा नाम जर्रार गफ्फारी है जी। आपके दिल में क्या है, ये जो सारी बातें हो रही है, चूँकि चुनावी माहौल है, पंचायती राज का ये 5वां चरण का चुनाव है, आप शिक्षित लग रहे हैं इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बताइए इस बार इस चुनाव का मूवमेंट क्या बता रहा है जनता द्वारा कि इस बार कौन? इस बार तो कैमरा छाप ही है। क्या बात कह दिए, कैमरा छाप ही होगा, ऐसा क्यों कह सकते हैं आप? पंचायत के बेहतर भविष्य के लिए तो जरूरी है। जरूरी है। क्या पब्लिक से कहना चाहेंगे आप? पंचायत के बेहतर भविष्य के लिए वोट दें और भारी बहुमत से जिताओ। जी शुक्रिया आपका। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए हजरत। मेरा नाम मोहम्मद फैयाज आलम जी। फैयाज आलम है, आप बिसरिया से ही हैं? हम यहाँ हमारे ननियाल है। अच्छा ये बताइए, आप इस वक्त जो सिचुएशन है चुनाव का, उस चुनाव में हजरत इनका जो समिति साहब हैं, जो पूर्व समिति थे, इनके जो मुखिया जो खड़े हुए हैं इनके पतोह, उसके बारे में क्या आपको लग रहा है कि जनता जनार्दन में क्या मूवमेंट है? युवा पीढ़ी को मौका मिला है, युवा को आने का मौका मिलना चाहिए। ये जो शख्स है जिसको आप सामने देख रहे हैं जी, राजनीति का बहुत पुराना खिलाड़ी है। आज तक गरीबों के बीच गरीब के लिए हर पग पग में चलने का काम किए जी, इसमें कभी पैर पीछे नहीं किए, चाहे 12 बजे रात हो या 12 बजे दिन हो। जी जी जी। इसका जीवन जो है राजनीति में ही बीता और गरीब के सेवा में ही बीता। अब लोगों को चाहिए कि इसके समय पर इसको साथ दें और अच्छे वोट जाए। जी शुक्रिया आपका। आपने देखे, आप देखे कि किस तरीके से लोगों का
ये बात है कि इस बार कोऑपरेशन उसको पूरे हृदय से मिल रही है। आगे भी हम थोड़ा से लोगों से पूछते हैं। जी आपका क्या परिचय है? मेरा नाम मोहम्मद आसिफ इकबाल हुआ। आसिफ इकबाल जी, इस बार बताइए, चूंकि पंचायती राज का पांचवा चरण का चुनाव होने जा रही है, अब चुनाव में ये दूसरा चरण का चुनाव है, पहला चरण का चुनाव तो हो चुकी है, अब ये बताइए कि ये जो बीरनगर बिसरिया है, यहाँ की जनता के दिल में क्या चल रहा है? यहाँ के जनता के दिल में है कि पढ़ा लिखा नौजवान आवे जी, जैसा कि ये पढ़ा लिखा नौजवान मौजूद है आपके सामने जी जी जी, इससे बेहतर तो कोई नौजवान नजर नहीं आता है, प्रत्याशियों में ऐसा बेहतर नहीं नजर आता। दूसरी बात, ये जो प्रत्याशी, ये वाजिब बात बोलने वाला है, इंसाफ पसंद है जी, आज इंसाफ करेगा, किसी से डरता नहीं है, अल्लाह से डरता है जी। शुक्रिया आपका। बीरनगर बिसरिया से MS परदेसी। शुरू करता हूं, बाग बाग के बिखेरे सकते, बाग बाग के बिखेरे सकते, भटक भटक के हकीकत तलाश किया आपने। आज कभी नसल बिदार मस आपसे कुछ मांगने के लिए खड़ा हुआ है, जो इससे कई साल पहले दीदार मस ने आप लोगों के घर में स्कूल बना करके उसमें पानी लेकर जमीन तोड़ दे करके आप लोगों के घर में ग्रीन चिनार जलाने का काम किया। उसके बाद दूसरी पीढ़ी ने हमारे चाचा मुखिया महेंद्र साहब आप लोगों के बीच 24 साल तक मुखिया रह के आप लोगों ने खिदमत किया। फिर हमारे छोटे भाई अकबर ने 5 साल तक रह के आप लोगों के बीच खिदमत करने का काम किया। हमको आप लोगों ने 2 बार समिति बनाया, और समिति बनाने के क्रम में हमने पंचायत में जो काम किया, जो भी फंड मिला, चाहे 1 मिले 2 मिले, मैं पंचायत में सरजमीन पर उतारने का काम किया। आज का दिन ऐसे शासकों का है जो शासक अपने आप को खुदाई दावा करता है कि यह सरजमीन हमारा है, और ये सरजमीन के लोग हमारे अंचल में रहने वाला है, हम जो चाहेंगे करेंगे, हम जो चाहते हैं करते हैं। इसलिए मैं आप लोगों से मेरा आह्वान करता हूँ, ऐसे शासक प्रशासकों को वोट के जरिए आप लोग जवाब दें, और उनको इस बात का पता चले कि जनता की अदालत में, जनता की अदालत से बढ़कर दुनिया में कोई अदालत नहीं है, और दूसरी पहली अदालत अल्लाह के दरबार का है। मैं आप लोगों को किसी मुखिया की शिकायत नहीं करता, मैं एक बार आप लोगों को जानकारी में देना चाहता हूं कि आप लोग लॉकडाउन के महीने में आप लोगों को लॉकडाउन के गरीबों पर खर्च करने के लिए 10,45,000 रुपया आया। आप लोग अपने गिरेबों में हाथ दो और सोचे कि बिसरिया के गरीब जनता ने क्या पैसा इस शासक ने खर्च किया, यह मुखिया खर्च किया। दूसरा लॉकडाउन में 9 लाख रुपया आया, उससे गाड़ी खरीदी चली गई और आप लोगों का हाथ 6 पे चला। तीसरी बार हर पंचायत में कूड़ादान के लिए पैसा आया, कूड़ादान अपने पंचायत में हुआ है, सब जनता यहाँ बैठे हुए हैं, वो बोलिए कि पूरे पंचायत में कहीं एक कूड़ादान का व्यवस्था नहीं हुआ, वो पैसा मिल गया। 14वें दिन का पैसा आया, 5वें दिन का पैसा आया, जनता की अदालत से आप मालिक सारे कैंडिडेटों का आप सवाल कीजिए कि 3 करोड़ का सालाना पैसा आपके पंचायत में काम करने को मिला, 15 करोड़ रुपया की राशि करके आपके पंचायत में कहा दिए,
मैं जनता से आह्वान करता हूँ कि आप आज मालिक हैं, अपने लोगों से सवाल कीजिए कि तुमने इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया, अगर किया है तो अपील के जरिए जनता को दो कि मैंने इस पैसे का इस्तेमाल फला फला जगह किया, और अगर किए हैं तो आप वोट मांगने का हक रखते हैं जनता के बीच, और अगर नहीं किए हैं तो हमारा जनता आपको वोट देने का काम नहीं है। उसके बाद कोई भी प्रतिनिधि हो, एमपी हो, एमएलए हो, मुखिया हो, समिति सरपंच हो, कोई जनता को खिलाने का काम नहीं करता। लेकिन प्रतिनिधि क्यों मालिक चुनता है कि हमारे पंचायत में हमारे बहू बेटी की इज्जत बची रहे, मेरे पंचायत में अमन शांति रहे, मुकदमा कम हो, मेरे पंचायत में चोर उछक्का कम घुसे। मैं आप लोगों को जानकारी देना चाहता हूँ कि क्या मेरा पंचायत इस तरह कि वे मेहमानों की इज्जत की सुरक्षा हुई, अगर नहीं हुई तो फिर आप जवाब लीजिए। आज मेरे 35 साल की कुर्बानी नेतागिरी से शुरू किया, 2001 में आप लोगों ने पंचायत समिति बनाया, 2016 में फिर आप लोगों ने पंचायत समिति बनाया, एक भी आदमी इसमें खड़े होकर बोले कि कोई भी आदमी चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो औरत हो, चाहे वो मर्द हो, नसीब के आधार है। मुझे बाद में भी पूछा फरियाद या फरियाद लेके तो नसीब यही पूछ लिया, नहीं निकल पड़ा उसके काम के लिए। हमने आप लोगों के खेत में मजदूरी करने का काम किया है, इसलिए आपसे छाती ठोक कर मजदूरी मांगने का काम करते हैं। अगर हमने मजदूरी नहीं की, मेरे खानदान का आप पर कोई कर्ज नहीं है, तो मैं मजदूरी लेने के लायक नहीं हूँ। अगर है तो आप मजदूरी दे करके एक अगर किसी को बार बार मौका दिए है तो आप अपने चाचा नसीम को इस बुढ़ापा की लाज बचाते हुए एक बार मौका दे। अगर हम आपके घर में उतरेंगे तो 5 साल के बाद हम इस जनताओं के बीच में वादा करते हैं कि आपके बीच वोट मांगने नहीं जाएंगे। और अगर कोई कैंडिडेट किसी भी तरह से सुकून और इत्मीनान में भंग करना चाहता है तो मैं जनता से अपील करता हूँ कि अपने लोगों के साथ शुरू किया जाता है, आप करें और वोट के जरिए करें, लाठी के जरिए नहीं करें। बिसरिया पंचायत इस 300 पंचायत में एक एजुकेशनल पंचायत माना जाता है, एक तालीम याफ्ता पंचायत माना जाता है, तालीम याफ्ता प्रेम चलाता है, लाठी और बंदूक नहीं चलाता। प्रेम चलाइए, ऐसे सियासत को अपने प्रेम के जरिए, अपने वोटों के जरिए उसको जवाब दे दीजिए ताकि उसके कमर टूट जाए और फिर वो दोबारा हिम्मत करने की कोशिश नहीं कर सकते। मैं भी आपके साथ काम किया हूँ, 35 सालों से नेतागिरी किया, एक भी आदमी इसमें जो ये कहते नसीम 5,000 रुपया लिया और ठक लिया उसके यहाँ पैसा बाकी है, तो मैं 5 का 20 देने के लिए आगे तैयार हूँ। अगर मेरा छवि साथ है, मेरे खानदान का किरदार साथ है, मेरी जबान में मिठास है, हमने आपको इज्जत देने का काम किया है, तो इस बुढ़ापा में हम आपसे इज्जत की भीख मांगते हैं, एक बार आप इज्जत दीजिए, इंशाल्लाह मैं आपको दोबारा इज्जत दूंगा, बार बार इज्जत दूंगा। आजकल के लोग इधर उधर करते रहते हैं, मैं आप लोगों से एक यात्रा के खत्म करता हूँ, क्या आप अपनी जमीन बेच लीजिए, लेकिन तीन दिनों के लिए 30 दिनों के लिए जमीन मत बेचिए, अगर जमीन बेचिएगा आपका खानदानी खत्म हो जाएगा,
और जमीन बेचिएगा, अगर मशीन बेचेगा तो उसको पत्थर लौटाने का काम करेगा, लेकिन जमीन बिकेगी तो वह नहीं लौटा सकेगा। उतना ही क्या कि मैं आप लोगों से खड़े होने की वोट मांगता हूँ, आप लोग अपने जनता का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि यहाँ आके मेरे पापा का भाषण आप सुन रहे हैं और इस भाषण पे आप लोग जोरदार ताली दे रहे हैं, मैं इसके लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे पापा जो 2001 में पंचायत समिति सदस्य 2006 तक रहे, आरक्षण की वजह से वो सीट नहीं लड़े, फिर मैं 2016 मेरे धर्मपत्नी क्षमा महाराज पंचायत समिति सदस्य बन के विसरिया पंचायत जनता के लिए काम किया। अगर मेरा छवि 5 साल में किसी इंदिरा आवास या कोई योजना के या शौचालय हो या वृद्धा पेंशन हो, मैं किसी का अगर 10 रुपया टका हो तो वो आपके सामने में आए, मैं आप ये अपना जो मुखिया पद से मैं नॉमिनेशन दिया हूँ, कोई एक आदमी कह देगा कि मैं किसी का 5 साल के रिश्ते में समय भी मैं 10 रुपया टका हूँ तो मैं आज अपना पत्र दे के मैं नहीं लड़ूंगा। मेरा छवि साफ सुथरा छवि है, मेरे पापा 40 साल तक आप लोगों की मजदूरी किया, उस मजदूरी का बलिदान आज मुखिया के रूप में मांगने आए हैं। कोई किसी को क्या देगा, मुखिया बन जाएगा या समिति बन जाएगा या सरपंच बन जाएगा तो क्या देगा, मेरा खानदान 1952 से देते आ रहा है, 1952 में 52 एकड़ जमीन किदारनाथ विश्वविद्यालय को दिया, जिससे आज विसरिया पंचायत नहीं कई हल्का के लोग अररिया पूर्णिया कटिहार यहाँ के जितने भी तालीम याफ्ता लोग गए, कोई डीएम है, कोई एसडीएम है, कोई मास्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, सब दीदार कुछ विद्यालय का ही देन है। और उस वक्त लोग कहेंगे कि जमीन मेरे दादा के पास बहुत था, लेकिन मैं आज बताता हूँ आपको, आज 5 से 10 साल पहले नंबर 1 वार्ड में मेरे अंकल निजामुद्दीन साहब ने 6 एकड़ जमीन देके स्कूल बनाया, वो किसके लिए बनाया, अपने लिए नहीं, वहाँ के जनता के लिए बनाया। मैं इसीलिए मेरे खानदान आज सदियों से देता रहा है, मेरा खानदान किसी को लेता नहीं, मेरा खानदान देता है। मैं आपसे उस बलिदान का बोध के रूप में भीख मांगता हूँ कि मेरे पापा की 40 साल की कुर्बानी का उसे आप मजदूरी दें और 29 तारीख को वो भारी से भारी मतों से विजय बना दे। मैं एक शेर पढ़ना चाहता हूँ, ऐ गमे दिल क्या करूं ऐ वहमे दिल क्या करूं, लेके संगेत के हाथों से खंडर तोड़ दूं, लेके संगेत के हाथों से खंडर तोड़ दूं पैसे उनके जाते हैं जो पत्थर तोड़ दूं, कोई मोरे या न मोरे मैं ही मरकर तोड़ दूं। फला फूला रहे यार चमन मेरी उम्मीदों का, जिगर के खून दे दे के ये भूखे मैं निकाले हैं, करोड़ फिक्र जरूरत पड़ी तो हम देंगे लहू का खून चिरागों की रोशनी के लिए। और मेरा खानदान इस बात का तस्दीक देता है कि वो लहू का खून आम जनताओं के लिए लहू दिया चिरागों की रोशनी जलाने के लिए, इसलिए मैं जनता से कहना चाहता हूँ कि मेरे पापा को 29 तारीख को भारी बहुमत से वोट देकर कैमरा छाप कर वोट देकर 2 तारीख को भारी बहुमत से विजय बनावे।